हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे जिले के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण जिला है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि रामायण काल में इसी गांव में ऋषि जी का आश्रम हुआ करता था, जो कि इस जिले का इतिहास से बहुत गहरा संबंध दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सुकमा जिले के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा शायद आप न जानते हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। छत्तीसगढ़ सुकमा जिला, जो कि भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित एक सुंदर जिला है। दोस्तों, यह जिला अपनी ऐतिहासिक आदिवासी संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी सीमाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। मित्रों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सिरे में स्थित सुकमा जिला 2012 में दंतेवाड़ा जिले से बना था। मुख्य रूप से यह जिला गौड़ और अन्य जनजातियों का निवास है। दोस्तों, यह जिला बहुत हरा भरा एवं मनमोहक है, क्योंकि इसका 80% क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ के घने जंगलों और ज्यादा पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हैं और जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो वर्षा होती है। दोस्तों, यहाँ से एक सुंदर नदी होकर गुजरती है जिसका नाम है सबरी नदी, जो कि इस जिले की प्रमुख नदी भी है। यारों, ये एक ऐसा जिला है जहाँ नक्सलवादियों और माओवाद की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरू से ही इस जिले में नक्सलवादियों का डेरा रहा है और अब भी यहाँ पर बहुत से नक्सलवादी पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जिले का इतिहास से बहुत गहरा संबंध है, तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ के कुछ अनोखा इतिहास जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सुकमा बस्तर का दक्षिणी भाग है और 16 जनवरी 2012 को ये नव गठित किया गया था तथा 1952 में बस्तर क्षेत्र के तहत एक उपतहसील था। इसके बाद ये 1956 में तहसील में अपग्रेड कर दिया गया और फिर सुकमा को वर्ष 2012 में एक नए जिले के रूप में अपना अस्तित्व मिला। दोस्तों, यह वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला है, जो विकास से कोसों दूर माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से दंडकारण्य नाम से जाने जाने वाली यह भूमि विभिन्न प्रकार के जनजातियों समुदाय का निवास स्थान है। यहाँ की रहने वाली जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सुकमा जिले में जितने भी राजाओं ने राज्य किया, उन्होंने उनकी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया और इन अत्याचारों से बचने के लिए जमींदार और काफी सारे लोग सुकमा के जंगलों में अपने ठिकाने के लिए निकल गए और अपने रहने के लिए दूसरी जगह की तलाश शुरू कर दी। और इनके समूह में एक परिवार था जिसमें एक पिता, माँ और उनके लड़के थे। और वो तीनों जब सबरी नदी के किनारे पर पहुंचे, उन्होंने नदी पार करने के लिए एक नौका बनाई और कहा जाता है कि जब वो तीनों नदी के बीच में थे तो उन्हें वहाँ एक देवदूत मिला और फिर देवदूत ने तीनों से यह कहा कि आप तीनों लोगों में से एक को बलिदान देना पड़ेगा, जिससे कि बाकी दो लोगों की जान सुरक्षित हो सके। और जब देवदूत ने इतना कहा तो उस लड़के ने अपने माता पिता से कहा, क्या आप दोनों स्वस्थ हैं? आप दोनों के और भी बच्चे हो सकते हैं तो यह बलिदान मैं ही दूंगा। और इतना कहते ही उस लड़के ने नदी में छलांग लगा दी और अपना बलिदान दे दिया। और यह स्थान आज भी मणिपुर के नाम से जाना जाता है, जो गांव तेवर तीखे नदी के बीच में एक द्वीप जैसे प्रतीत होता है। और इस स्थान पर लड़के का एक चप्पल और त्रिशूल दिखाई देता है। और मित्रों, शिवरात्रि और मकर संक्रांति के दौरान भक्त बड़ी संख्या में इस स्थान पर पहुंचते हैं और पूजा करते हैं। और माना जाता है कि यह अभी तक किसी भी बाढ़ ने इसे उजाड़ पाया है और न ही डूबा है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या लगभग 2,50,160 थी, जिसमें 55% आबादी गुंडी, 11% आबादी हल्बी, 9% आबादी धुरली, 7% आबादी धुरवा, 5% आबादी हिंदी और 4% आबादी मुरिया जैसी भाषाएं बोलती है। और इस जिले की पूर्ण आबादी में पुरुषों की संख्या 1,33,350 है और महिलाओं की जनसंख्या 1,37,471 है। और मित्रों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस जिले का कुल क्षेत्रफल 8,890 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। और यहाँ का लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो हर 1,000 पुरुषों पर 1,007 महिलाओं का है, एवं यहाँ का पुरुष साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट पुरुषों की 4.69% और महिला साक्षरता दर 1.33% का है, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि
यहाँ शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। मित्रों, सुकमा जिले में सुकमा छिंदगढ़ कोंटा तीन तहसीलें हैं, 385 गांव व 113 ग्राम पंचायत, एक नगर पालिका, तीन नगर पंचायत है। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं सुकमा की कुछ अच्छी एवं प्रसिद्ध जगहों की सैर करने के लिए, जहां अगर आप जाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपको मजा ही आ जाएगा इस जगह पर घूमने के लिए। आपको यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जगह है। चित्रकूट जलप्रपात यह नियाग्रा से बेहतर था क्योंकि छोटी नावें हमें ले गई। इसे यह भारतीय नियाग्रा कहा जाता था, जो भयानक इंद्रधनुष छोटी बूंदों को देखने के लिए गिरती है। दुधमा पर्यटक स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दर्शनीय स्थलों के साथ पर्यटन को आकर्षित करता है। दुधमा पर्यटक स्थल सुकमा के पास सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। श्री श्री मां काली मंदिर, यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आपको इस मंदिर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर श्री मां काली मंदिर पूजा का स्थान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर नदी से अपना नाम हटाते हुए इस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व में से एक घोषित किया गया है। 1982 के दौरान स्थापित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसके किनारों पर कई गांवों से घिरा हुआ है। तुंगल बांध, इस बांध को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। जिले के नागरिकों को मनोरंजन या पर्यटन के लिए अन्य जिलों या पड़ोसी राज्यों के पर्यटन स्थलों पर निर्भर रहे हैं। इस इको पर्यटन केंद्र में जिला प्रशासन व वन विभाग के द्वारा आधार मूलभूत संरचना का निर्माण, बांध में नौका विहार के लिए मोटर बोट, पैडल बोट की व्यवस्था, पहुंच मार्ग का निर्माण तथा हट स्थल का निर्माण किया गया है। दोरनापाल पुल, इस पुल निर्माण से पहले लोगों को ओडिशा जाने के लिए 140 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब दोरनापाल पुल निर्माण से यह यात्रा मात्र 3 किलोमीटर की होती है। सुकमा और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच प्रतिदिन बसें चलती रहती है और यहाँ की बस सेवा जगदलपुर, दंतेवाड़ा, मलकानगिरी, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों तक प्रतिदिन अपनी सेवाएं जारी रखती है। और इस जिले का मुख्य हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे NH-30 है, जो कि यहाँ से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।